लेकिन फ्रेंड्स, रक्षा किचन में आज हम बहुत टेस्टी और बहुत लजीज रेसिपी बनाने जा रहे हैं। भिंडी गोश्त जो बहुत बन के टेस्टी होती है और खाने में भी बहुत लजीज होती है। ये कभी कभी बनाई जाती है, हर वक्त की ये रेसिपी नहीं है। कभी कभी ये मांग पे ही इंसान बनाता है। जो 1 kg मेरी भिंडी है, जो मुझे गोश्त और भिंडी मिला के बनाना है, और 750 ग्राम मेरा गोश्त है, बड़ा गोश्त है ये, रेड मीट, और 4 मेरी प्याज की गंठी है छोटे साइज की, जो छोटे छोटे करके इसका वजन होगा करीब 100 ग्राम, और 100 ग्राम मेरा ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 7-8 मेरी हरी मिर्चें हैं जो इसे मैंने एक एक में 2-2 पीस कर लिए हैं, और 1/2 टेबल स्पून मेरा गरम मसाला है पिसा हुआ, मुझे खड़े मसाले नहीं डालना है इसमें, और ये मेरे मसाले हैं, ये सॉल्ट है जो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है मुझे, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है ये, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, और 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है। ये मुझे मिक्स करके बनाना है। पहले मैं बनाना दिखाती हूँ आपको, मुझे तल के आज नहीं बनाना है, मुझे मिक्स करके बनाना है। आइए अब हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमें रखना है गोश्त को, अपने बताना शुरू करते हैं आपको किस तरीके। मुझे तलना नहीं है, झटपट बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाती है। 750 ग्राम मेरा गोश्त है, बहुत झटपट बनाना है मुझे इसे ज़्यादा। मैंने इसमें 750 ग्राम मेरा गोश्त था, रेड मीट है ये, बड़ा गोश्त। अब इसमें मुझे ऑनियन डालना है अपनी, 4 हैं छोटे छोटे साइज की, मैंने इस तरीके की काट के रख ली है ये, बड़ी मोटी मोटी स्लाइस में ये डाल देना है मुझे। अब अपने मसाले डालना है मुझे, ये मेरा 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, मुझे मसाले हल्के डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, और ये सॉल्ट है टेस्ट के मुताबिक, और 2 टेबल स्पून मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये डाल दिया, और ये मिर्चें मुझे बाद में डालना है, और मुझे 1/2 मस्टर्ड ऑयल डालना है मुझे, 1/2, सारा नहीं, और ये जो गरम मसाला है मुझे ये लास्ट में डालना है। इसमें पानी नहीं डाला है मैंने, अब मुझे पानी डालना है इसमें, करीब 200 ग्राम मुझे पानी डालना है इसमें। मैं इसे तल के नहीं बनाऊंगी, मिक्स करके बनाऊंगी मैं। पानी थोड़ा ज़्यादा लगाया है मुझे, ये ज़्यादा टेंडर करना है मुझे गोश्त अपना, और कोई मैंने गरम मसाले इसमें नहीं डाले हैं, मुझे लास्ट में डालूंगी मैं गरम मसाला, पिसा हुआ है मेरा 1/2 टेबल स्पून, अभी कोई गरम मसाला मैंने इसमें नहीं डाला है, मुझे इस पर कुकर गैस पर रखना है। इस पर 4 से 5 सीटी लगा लेना है हमें, और हम अपनी भिंडी को अब फ्राई करेंगे, जो ऑयल मेरा बचा था उसमें फ्राई करना है मुझे। तब तक के लिए मुझे भिंडी फ्राई कर लेना है, इसमें 4 से 5 सीटी लगाऊंगी मैं अपने गोश्त में, भिंडी फ्राई करूँगी। ऑयल हमारा हो चुका है, अब इसमें हमें अपनी ऑनियन डालना है, एक छोटे साइज की ऑनियन लेती मैंने, इसको अच्छी तरीके छिलका हटा के और इस तरीके की मोटी मोटी स्लाइस में काट के रख ली है मैंने, इसमें ऑनियन डालना है। ऑनियन हमारी गोल्डन हो चुकी है, तड़का खूब अच्छे से हमें हाई फ्लेम पर तेज करना है। अब हमें इसमें डालना है जीरा, 1/2 टेबल स्पून मेरा जीरा था, और 2 रेड चिली मिर्चें थी, तड़का हमारा हो गया है। अब इसमें 1 kg हमें अपनी भिंडी डालना है, चूल्हे को फुल कर दे, हरी मिर्च जो मैंने 1/2 टेबल स्पून काट के रखी थी, 2 टुकड़े कर लिए थे, 1/2 वो इसमें डाल दूँ,
गैस मेरी स्लो है एकदम, चूल्हा मीडियम है। भिंडी को मेरी 15 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। भिंडी मेरी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, जैसी हमें चाहिए थी वैसी बहुत गोल्डन कलर आ गया भिंडियों का मेरे। अब मैंने गोश्त में अपने 4 से 5 सीटी लगा ली थी, मैंने इसको इसी के प्रेशर में छोड़ दिया था। अब हमें देखना है गोश्त हमारा टेंडर हुआ है या नहीं। तो हमारा टेंडर हो चुका है फ्रेंड, बहुत अच्छे से गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है, जिस तरीके का हमें चाहिए वैसे हो गया है गोश्त हमारा, बहुत अच्छे से एकदम। अब पानी बिल्कुल इसका खुश चुका है एकदम। अब हमें अपने गोश्त को जो भिंडी मैंने तली थी उसमें डाल देना है। इसमें इसे मिक्स कर देना बहुत हल्के हाथ से, ताकि भिंडी हमारी टूटे नहीं एकदम। 15 मिनट के लिए हमें इसे और कुक करना है। जिसमें मैंने गोश्त भूंजा था उसमें हल्का सा मसाला था, थोड़ा सा मैंने पानी लगा के इसमें इसका मसाला इसमें डाल दिया है। जो मसाला था चिपटा हुआ इसलिए मैंने भी जो टेबल स्पून चाय के टेबल स्पून पानी लगा के इसमें और मैंने इसमें डाल दिया है। इसे गैस मेरा स्लो है, मीडियम है। जो मैंने आधा टेबल स्पून गरम मसाला था मेरा पेशा हुआ वाला वो इसमें डालना है, मुझे डाल देना। खड़े गरम मसाले बिल्कुल नहीं डाले हैं मैंने, लास्ट में ये डाल लेंगे आधा टेबल स्पून गरम मसाला। पानी इसका खुशक करना है मुझे। भिंडी गोश्त को हमारे 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम आंच पे इसको, और अब ये बनके हमारा तैयार है। अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। भिंडी गोश्त हमारा बनके तैयार है, बहुत लजीज बहुत टेस्टी बना है। भिंडी हमारी एकदम इसमें खिली खिली है, देखो फ्रेंड्स एकदम बहुत लजीज बन के तैयार हुआ है, बहुत झटपट बन के तैयार हो गई है। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इसे, अपने फैमिली में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।